सेप्ट नंबर सिक्स हेडिंग डालिए जी तो ये हो गया जी हमारा कंसेप्ट नंबर सिक्स इन्वेंट्री टेकिंग अब सर ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जनरली एग्जाम में यही इसी एरिया क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है लेकिन ऊपर जो भी मैंने आपको एरियाज कराए ऐसा नहीं है उनसे क्वेश्चन नहीं आएगा उनसे भी आ सकता है लेकिन ये वाला एरिया एग्जामिनर का फेवरेट है यहां से वो क्वेश्चन ज्यादा पूछता है अब देखिए ये एरिया है क्या ये टॉपिक बात करता है अबाउट

अब यहां पर आपको दो एडजस्टमेंट काफी काम आएंगी पहली एडजस्टमेंट काम आएगी सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस अगर आपको याद हो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस में क्या था भाई ईयर के एंड पर जो हमने स्टॉक सेंड किया था टू द कस्टमर फॉर अप्रूवल बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टॉक जब मैं गोडाउन में फिजिकली काउंट करूंगा तो मुझे मिलेगा नहीं लेकिन फिर भी वो स्टॉक मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा तो वो एक एडजस्टमेंट है जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपने जो कस्टमर के पास गुड्स पड़े हैं वो स्टॉक को भी आपको अपने पास इंक्लूड करके चलना पड़ता है दूसरा जो चैप्टर है वो जो दूसरा जो पॉइंट है वो यूज होता है कंसाइनमेंट का वैसे कंसाइनमेंट मैंने अभी आपको चैप्टर नहीं कराया वो नेक्स्ट इस चैप्टर के बाद में आपको कराऊंगा लेकिन स्टिल कंसाइनमेंट में आपका पॉइंट बता देता हूं कंसाइनमेंट क्या होता है जी हम अपने एजेंट के थ्रू सेल करते हैं तो जब हम अपने एजेंट के थ्रू सेल करते हैं तो हम अपने कुछ गुड्स एजेंट को भी ट्रांसफर कर देते हैं अब एजेंट वो गुड्स को खरीद नहीं रहा वो हमारे पे सेल कर रहा है तो 31 मार्च को मान लो मैंने कुछ गुड्स अपने एजेंट को दे रखे हैं तो क्या वो मेरे स्टॉक का पार्ट बनेंगे आंसर इस जब तक वो बिक नहीं जाते वो मेरे स्टॉक का ही पार्ट बनेंगे मुझे गोडाउन में फिजिकली नहीं मिलेंगे लेकिन वो मेरे किसके पास है कंसाइनी के पास है तो मैं उस स्टॉक को भी अपने पास इंक्लूड करके चलूंगा और ऐसी हमारी कई सारी एडजस्टमेंट भी रहेंगी फिजिकल के बेसिस हमें काम करके चलना है देखो अब यहां पर क्या होता है जनरली है टेकिंग में कुछ करना पड़ेगा वो कुछ काम नहीं कर पाएंगी तो इसलिए इन्वेंट्री टेकिंग इकतीस मार्च को जनरली लोग नहीं कराते क्योंकि उनका लॉस हो जाता है भाई बिजनेस नहीं करेंगे तो उनका रेवेन्यू को लॉस होगा तो ऐसा कोई भी चाहता नहीं है तो वो क्या करते हैं वो कहता है 31 मार्च को रहने दो या तो इकतीस मार्च से पहले काउंट कर लो या इकतीस मार्च के बाद काउंट कर लो अगर तो आप इकतीस मार्च से पहले काउंट कर रहे हो तो वहां से लेकर उस डेट से लेकर इकतीस मार्च तक के ट्रांजेक्शन को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और अगर आप इकतीस मार्च के बाद काउंट कर रहे हो मान लो तो आप दस अप्रैल को काउंट कर रहे हो तो आपको एक 31 मार्च से 10 अप्रैल के बीच के ट्रांजैक्शन को क्या करना पड़ेगा एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी तो वो एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो हमें इस टॉपिक में सीखनी है तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ लिखते हैं ध्यान से समझते रहना बहुत कंसेप्चुअल समझने से देखो एज इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस for calculating for calculating the cost of inventories in hand at the end of at the end of a relevant period physical count of inventories are made the operations the operations of the businesses the operations of the business are Generally suspended during the process of physical count, during the process of physical count, it is not. It is not practically possible to count the inventory to count the inventory on the end day of the end day of the period. So in that case, in that case, inventory count is done. In that case, inventory count is done before or after. the ending day before or after the ending day the transactions the transactions occurred during the period will be adjusted इन the क्लोजिंग inventory ठीक है जी अब देखो ये क्या कह रहे पॉइंट वो कहता है जनरली इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने का प्रिंसिपल क्या था हमारे पास कॉस्ट और एनआरवी विच एवर सर इस प्रिंसिपल को तो हमें फॉलो करना ही करना है ये तो हम इसको भूल ही नहीं सकते लेकिन वो कह रहा है कि कॉस्ट निकालने के लिए इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालने के लिए हमें इन्वेंट्री का फिजिकल काउंट करना होता है कब करना होता है जी एंड ऑफ द पीरियड पीरियड के एंड पे यानी कि अगर हम हर महीने इन्वेंट्री काउंट करते हैं तो हर महीने के एंड पे हर छह महीने में करते हैं तो छह महीने में और हर साल के एंड पे करते हैं तो हर 31 मार्च को हमें क्या करना होता है इन्वेंट्री का फिजिकल काउंट करना होता है तो उस काउंट के दौरान हमें ऑपरेशंस को क्या करना पड़ता है जी जनरली सस्पेंड करना पड़ता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिजिकल काउंट तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि हम इन्वेंट्री को एंड डे पर काउंट करें इसलिए लोग क्या करते हैं इन्वेंट्री काउंट करते हैं कब बिफोर और आफ्टर द एंडिंग डे या तो एंडिंग डे से कुछ दिन पहले या 31 मार्च के कुछ दिन बाद तो जो भी ट्रांजेक्शन होती है हमारी ड्यूरिंग दैट पीरियड वो हमारी एडजस्ट हो जाती है इन द क्लोजिंग इन्वेंट्री ठीक है जी अब देखो ध्यान से देखो जी ये हमारा फर्स्ट अप्रैल 2019 और ये है हमारा जी इकतीस uh, मार्च 2020 ठीक है जी मैं स्कोर अप करता हूं ये है हमारा इकतीस मार्च 2020 अब देखो हमें क्लोजिंग स्टॉक तो सही है सर यहां पर 31 मार्च 2020 का हमें क्या चाहिए क्लोजिंग स्टॉक चाहिए या तो मैं 31 मार्च 2020 को ही अपना स्टॉक की फिजिकल काउंटिंग करना शुरू कर दूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे 31 मार्च को अपनी दुकान को अपनी गोडाउन को बंद करना पड़ेगा क्यों बंद करना पड़ेगा क्योंकि जब फिजिकल काउंटिंग कर रहे हो तो अगर उस दौरान सेल परचेस हो जाएगी तो देर विल बी अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन ठीक है जी अब हम करते क्या अब हम या तो सर या तो सर 24 मार्च लेट से 24 मार्च या तो हम 24 मार्च को काउंट करेंगे 24 मार्च काउंट करने का मतलब क्या हुआ 24 मार्च को काउंट करने का मतलब हुआ हमने बिफोर द अकाउंटिंग पीरियड बिफोर द अकाउंटिंग हमने काउंट कंप्लीट कर लिया एक चौबीस मार्च को कर लिया काम या फिर हम क्या करेंगे या फिर हम काम करेंगे सर 31 मार्च के बाद मान लो हमने किया जी 7 अप्रैल को 7 अप्रैल को इन्वेंट्री काउंट कंप्लीट हुआ इन्वेंट्री काउंट कंप्लीटेड ठीक है जी तो अब हमें करना क्या होगा नाउ वी विल एडजस्ट अब हम क्या करेंगे अगर हमने 24 मार्च को काम किया तो 24 मार्च से लेकर 31 मार्च तक 24 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जो भी ट्रांजेक्शन हुई हैं जो भी ट्रांजेक्शन हुई हैं इन ट्रांजेक्शन की हमें क्या करनी पड़ेगी सर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी या अगर हमने सात अप्रैल को किया है तो अब हमें रिवर्स उल्टा चल के सात अप्रैल से लेकर एक मतलब एक अप्रैल से लेकर सात अप्रैल तक जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उन ट्रांजेक्शन की आपको क्या करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि सर हमारे पास जब हम फिजिकल काउंट करेंगे 24 मार्च को चाहे 7 अप्रैल को तो हमारे पास तो उसी दिन की इन्वेंट्री अवेलेबल होगी ना जिस दिन हम फिजिकल काउंट करेंगे लेकिन हमें चाहिए कब की हमें चाहिए 31 मार्च की तो अगर आपने 24 मार्च को इन्वेंट्री काउंट की तो 24 मार्च से लेकर 31 मार्च तक की ट्रांजेक्शन को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और अगर आपने सात अप्रैल को करी तो सात अप्रैल की इन्वेंट्री आएगी तो सात अप्रैल से पहले पहले इकतीस मार्च से लेकर सात अप्रैल के बीच की जो ट्रांजेक्शन है उनको क्या करना पड़ेगा आपको एडजस्टमेंट करके चलनी पड़ेगी अब बात आती है सर एडजस्टमेंट्स होगी कैसे देखो जी एडजस्टमेंट्स होंगी कैसे देखो अब इसमें देखो दो केसेस के हिसाब से हम इसके एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे सबसे पहला आता है जी फिजिकल वेरिफिकेशन ट्वेंटी फोर्थ मार्च बेसिकली मैं क्या बता रहा हूं कि अगर फिजिकल वेरिफिकेशन हमने एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड से पहले करी है मतलब जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है उससे पहले अगर हमने स्टॉक की इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन करी है देन हाउ विल वी कम टू द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन द एंड ऑफ द रेलिवेंट अकाउंटिंग पीरियड मतलब चौबीस मार्च को अगर आपने फिजिकल वेरिफिकेशन करी है तो आप इकतीस मार्च के स्टॉक पर कैसे पहुंचोगे आपको ध्यान रखना है अब देखो आपको सोचना है सर इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेंट्री बढ़ेगी या घटेगी दिमाग में ये रखना है सिर्फ अब मुझे बताओ जब आप 24 मार्च को इन्वेंट्री काउंट करोगे तो आपके पास क्या अवेलेबल होगा सबसे पहले आपके पास क्या आएगा यू विल गेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन कौन सी डेट पे एज ऑन ट्वेंटी मार्च 24 मार्च की आपके पास क्या आ जाएगी जी इन्वेंट्री आ जाएगी अब अब मुझे बताओ अगर आपने परचेजेस करी परचेजेस फ्रॉम ट्वेंटी फोर्थ मार्च टू थर्टी फर्स्ट मार्च बताइए चौबीस मार्च को आपने इन्वेंट्री काउंट करी चौबीस मार्च को आपने इन्वेंट्री काउंट करी तो चौबीस मार्च ना लेकर हम इसको यहां पर ना पच्चीस मार्च लिखते हैं चौबीस मार्च की परचेज तो चौबीस मार्च पच्चीस मार्च से लेकर इकतीस मार्च तक जो भी आपने परचेज करी है मुझे यह बताओ इससे परचेज करने से आपका स्टॉक बढ़ेगा या कम होगा परचेज करने से आपका स्टॉक बढ़ेगा या कम होगा सर 24 मार्च को हमारे पास स्टॉक था और हमने 25 मार्च से 31 मार्च के बीच में कुछ इन्वेंट्री और खरीद ली तो 31 मार्च को हमारा स्टॉक क्या हो जाना चाहिए सर इंक्रीज होना चाहिए बढ़ जाना चाहिए तो दिस विल गेट एडिड ये क्या हो जाएगा आपका एड हो जाएगा उसके बाद अगर कोई परचेज रिटर्न है परचेज रिटर्न मतलब आपने गुड्स वापसी कर दिए परचेज रिटर्न है कब से कब तक की 25 मार्च से लेकर 31 मार्च तक की तो ये क्या होगी सर ये होगी आपकी लेस अब बताओ जी मुझे सेल्स सेल्स फ्रॉम 25 मार्च से लेकर 31 मार्च तक की सेल का क्या करूं सेल करने की वजह से इन्वेंट्री कम होती है या बढ़ती है सर सेल करने की वजह से इन्वेंट्री हो जाती है कम तो इसको भी मैं क्या करूंगा लेस कर दूंगा ये लेस कर दिया लेकिन ध्यान रखना सेल हमेशा आप किस पे लोगे एट कॉस्ट प्राइस ओनली क्योंकि सेल आपको सेलिंग प्राइस के हिसाब से दी जाती है लेकिन इन्वेंट्री आप सेलिंग प्राइस पे नहीं निकालते आप निकालते हो कॉस्ट पे तो आपको सेल की भी क्या लेनी पड़ेगी कॉस्ट लेनी पड़ेगी तो ये प्रिंसिपल है आपको ध्यान रख रहे हैं अब अगर आपकी सेल्स रिटर्न होगी सेल्स रिटर्न होगी कब से कब तक की फ्रॉम 25 मार्च से लेकर 31 मार्च तक की सेल्स रिटर्न होगी तो वो क्या हो जाएगी आपकी एड हो जाएगी ये आपकी क्या हो जाएगी सर एड हो जाएगी ओके okay जी उसके बाद उसके बाद गुड्स विद कंसाइनी गुड्स विद कंसाइनी बताइए जी कुछ गुड्स हमारे कंसाइनी के पास रखे हुए हैं कुछ गुड्स हमारे कंसाइनी के पास रखे हुए हैं कंसाइनी कौन होता है कंसाइनी कौन पर्सन होता है जो एजेंट होता है हमारे ब्याह पे काम कर रहे हैं उसको हमने कुछ गुड्स दे रखे हैं हमने उसको सेल नहीं है। उसको कुछ कर कुछ गुड्स सेंड कर रखे हैं कि भाई हमारे ब्याह पे भेज देना तो अगर मान लो इकतीस मार्च तक वो गुड्स बिके नहीं इकतीस मार्च तक वो गुड्स बिके नहीं तो उनपे ओनरशिप किसकी है ओनरशिप तो मेरी ही है क्योंकि मेरे ही तो गुड्स किसी और के पास रखे हुए हैं लेकिन जब मैं फिजिकल काउंट कर रहा था 24 मार्च को वो मुझे नहीं मिले क्या 31 31 मार्च मार्च को को मिल जाएंगे मुझे आंसर है भी नहीं मिलेंगे क्योंकि वो तो फिजिकली किसके पास है वो फिजिकली है हमारे कंसाइनी के पास तो ये जो कंसाइनी वाले गुड्स है ये क्या हो जाएंगे सर एड हो जाएंगे क्योंकि इसका फिजिकल पोजिशन नहीं है मेरे पास ओनरशिप मेरे पास है तो ये क्या हो जाएंगे एड हो जाएंगे उसके बाद गुड्स ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस जैसे होता है ना अप्रूवल बेसिस पर हमने अप्रूवल बेसिस याद हो गुड्स कस्टमर को सेंड करे थे तो ईयर एंड पे ईयर एंड पे हम उसको क्या करते थे सर अपने स्टॉक का ही पार्ट बनाते थे हम इसको क्या करेंगे इसको भी हम ऐड कर देंगे ठीक है जी और अगर कोई अगर कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है मतलब कोई गलती हो जाती है तो गलती का इंपैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है जैसे अगर हमने ओवर वैल्यूएशन करी है तो हमें लेस करना पड़ेगा अगर हमने अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करी है तो हमें ऐड करना पड़ेगा तो ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है अगर कुछ गलती हो रही है तो वो भी हम इसको एडजस्ट करके चलेंगे और ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आपके पास क्या आएगी आपके पास आ जाएगी सर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन इकतीस मार्च थर्टी फर्स्ट मार्च की आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी यह था सर आगे की तरफ बढ़ना सीधा सीधा चलना मतलब चौबीस मार्च से आप इकतीस मार्च तक जा रहे हैं। अब हम चलेंगे सर उल्टा चलेंगे रिवर्स चलेंगे अब आपने काउंट क्या किया अब आपने 31 मार्च को ना लेकर 7 अप्रैल को काउंट किया तो 7 अप्रैल से 31 मार्च मतलब पीछे की तरफ आना है बैकवर्ड आना यह होता है सर मूविंग फॉरवर्ड आगे की तरफ चलना और अगला जो मैं बताऊंगा वो होगा मूविंग बैकवर्ड एक बार इसको नोट कर लीजिए आप हाँ जी सो so, अगला लिखिए फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीटेड ऑन सेवेंथ अप्रैल सेवेंथ अप्रैल मतलब आपने पीरियड के बाद पीरियड खत्म होने के बाद आपने स्टॉक को क्या कराया जी काउंट कराया अब आप क्या करोगे इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे मूविंग बैकवर्ड पीछे की तरफ आना है मूविंग बैकवर्ड अब मुझे बताओ जब आप स्टॉक की काउंटिंग करने गए तो आपको क्या मिलेगा गोडाउन में आपको मिलेगी सर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कौन सी डेट की वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी एज ऑन विच डेट एज ऑन सेवेंथ अप्रैल जो भैया जब सात अप्रैल को काउंट करोगे तो आपके पास वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी क्या आएगी सात अप्रैल की ही आएगी अब आप क्या करो अब आप मुझे बताओ अगर आपने परचेजेस करी थी अगर आपने परचेजेस करी थी कब से कब तक की परचेज करी थी आपने फर्स्ट अप्रैल से लेकर फर्स्ट अप्रैल से लेकर सात अप्रैल तक बताइए जी एक चार से लेकर सात चार तक आपको इकतीस मार्च की इन्वेंट्री पे पहुंचना है बताइए जी से लेकर तक जब आपने परचेस करी होंगी तो उसकी वजह से स्टॉक क्या हुआ होगा सर बढ़ बढ़ गया गया होगा 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 स्टॉक क्या हुआ क्योंकि परचेस करने से स्टॉक बढ़ेगा तो मुझे बताओ यहां पर सात चार की इन्वेंट्री में ये बड़ा हुआ स्टॉक आ रहा होगा ये क्या होगा सर बड़ा हुआ स्टॉक आ रहा होगा क्या ये स्टॉक हमारे पास इकतीस मार्च को होना चाहिए था क्या ये स्टॉक आपके पास इकतीस मार्च को होना चाहिए था आंसर इज नो क्योंकि ये परचेज ही आपने इकतीस मार्च की बात करी है तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा इसे लेस करना पड़ेगा पीछे की तरफ आने आपको क्या करना पड़ेगा सर लेस करना पड़ेगा परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न्स एक चार से सात चार तक की परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न का क्या करोगे सर परचेज रिटर्न मतलब हमने माल क्या करा जी वापसी कर दिया माल वापसी कर दिया मतलब हमारे पास सात चार को वो चीज कम आ रही है लेकिन इकतीस मार्च को तो हमारे स्टॉक में होना चाहिए था इकतीस मार्च को तो हमारे स्टॉक में होना चाहिए तो, तो आप इसको क्या करोगे एड करोगे उसके बाद सेल्स एक चार से लेकर सात चार तक की सेल अब बताइए जी सेल करने की वजह से क्या होता है जी सेल करने की वजह से इन्वेंट्री कम हो जाती है इन्वेंट्री कम हो गई इसका मतलब क्या हुआ इन्वेंट्री कम होने का मतलब क्या हुआ कि जो सात चार की इन्वेंट्री है उसमें ये सेल वाले गुड्स इंक्लूडेड नहीं है क्या वो इकतीस मार्च को हमारे गोडाउन में होने चाहिए थे क्या वो इकतीस मार्च को हमारे गोडाउन में चाहिए थे आंसर इज यस क्योंकि सेल हमने उसके बाद करी है तो वो इकतीस मार्च को तो हमारे गोडाउन में होने चाहिए थे तो मैं क्या करूंगा मैं इसे ऐड कर दूंगा इकतीस मार्च के स्टॉक में इंक्लूड करने के लिए लेकिन ध्यान रखना सेल हमेशा सेलिंग प्राइस पे होती है तो वी हैव टू कन्वर्ट इट एट कॉस्ट मैंने ऊपर भी वाला पॉइंट आपको लिखवाया होगा सेल का अच्छा सेल के साथ साथ सेल रिटर्न भी कॉस्ट पे होगी क्योंकि वो भी सेलिंग प्राइस पे ही होती है तो ये भी एट कॉस्ट गुड्स ऑन अप्रूवल वाला ये तो आपको पता ही है सर कॉस्ट पे ही लेते हैं तो ये हमने ले ही लेंगे और कंसाइनी को भी अगर हम कंसाइनी के गुड्स को भी हम किस पे लेंगे सर कॉस्ट लेंगे क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं कंसाइनी को प्राइस पर गुड्स कर देते हैं तो उसको भी हम कॉस्ट पे कन्वर्ट कर लेंगे ओके okay, जी सेल का समझ में आया अब बात आती है सर सेल रिटर्न का क्या करूंगा तो सर सेल रिटर्न तो लेस हो जाएंगी सेल्स रिटर्न एक चार से लेकर सात चार तक की सेल में क्या करी? लेस कर दिए अब बात आती है सर गुड्स विद कंसाइनी सर गुड्स विद कंसाइनी का क्या करें सर जो गुड्स कंसाइनी के पास है चाहे वो 31 मार्च हो चाहे वो सात अप्रैल हो चाहे वो चौबीस मार्च हो सर वो गुड्स तो कंसाइनी के ही पास है वो गुड्स तो कहां है सर कंसाइनी के ही पास है तो उसको तो मैं काउंटिंग में कभी ले ही नहीं पाया तो अगर मैं उसको काउंटिंग में नहीं ले पाया तो हमेशा मुझे उसको तो ऐड ही करना पड़ेगा चाहे वो 24 मार्च को काउंट करो चाहे वो 7 अप्रैल को करो चाहे वो 31 मार्च को करो वो गुड्स तो मेरे पास फिजिकली है ही नहीं तो मुझे तो वो क्या करना पड़ेगा मुझे अपने कंसाइनी से पूछकर उसे हमेशा ऐड करना पड़ेगा क्योंकि गड़बड़ी बच्चे क्या करेंगे बच्चे यहां पर सर रटने की कोशिश करेंगे और रट्टाफिकेशन में गलती क्या होगी सर देखो ऊपर पहली जो चार आइटम है वो तो सर उल्टी हो रही है रिवर्स हो रही है लेकिन जो गुड्स विद कंसाइनी वाली आइटम है वो सर रिवर्स नहीं हो रही है वो तो सर सीधी सीधी चल रही है लेकिन आपको रटना नहीं है आपको लॉजिकली समझना है कि सर गुड्स विद कंसाइनी फिजिकली जब हमारे पास है ही नहीं तो उसको तो हमेशा हम ऐड करेंगे उसके बाद गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस अप्रूवल बेसिस वाले गुड्स अगर कस्टमर के पास रखे हुए हैं चाहे वो 24 मार्च हो चाहे वो इकतीस मार्च हो चाहे वो 7 अप्रैल हो तीनों ही केस में वो गुड्स भी हमारे पास फिजिकली नहीं है तो हमें उसको भी क्या करना पड़ेगा बच्चे ऐड ही करना पड़ेगा और ध्यान रखना सेल रिटर्न भी कॉस्ट पर होगी गुड्स विद कंसाइनी जनरली कॉस्ट भी होते हैं लेकिन अगर आईपी पे है तो कॉस्ट पर ले लेना और गुड्स एंड अप्रूवल ये वाले भी आपको पता है कॉस्ट पर ही होते हैं उसके बाद अगर कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है कोई एरर्स हो जाती है तो उसको एड या लेस एज पर द एर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बात समझ में आती है तो सर ये क्या निकल के आएगा दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन कौन सी डेट की सर इक स मार्च की सात अप्रैल से इकतीस मार्च पहुंचे और ऊपर चौबीस मार्च से इकतीस मार्च पहुंच गए थे ठीक है जी तो ये एक आपका बेसिक स्ट्रक्चर है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से करना है आपको ध्यान रखना हैं सर सोच के चलना है कि इन्वेंट्री पे क्या फर्क पड़ेगा अगर आपने ये सोच लिया तो सर गलती नहीं होगी क्योंकि बच्चे इस चीज में हो जाते हैं थोड़े से कंफ्यूज तो आपको कंफ्यूज नहीं होना आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा लॉजिकली सोचने के लिए आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा कि सर इन्वेंट्री पे क्या होगा इन्वेंट्री बढ़ेगी या कम होगी प्लस आपको डेट से ध्यान में रखनी पड़ेगी वो कौन सी डेट की बात कर रहा है बताइए जी क्लियर रहता पॉइंट चलिए फिर इसको और क्लियर करने के लिए इसको और क्लियर करने के लिए हम इसके क्वेश्चंस पे अब आते हैं ठीक है जी इन्वेंट्री टेकिंग के क्वेश्चन बड़े मजेदार क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन अब करेंगे आइए जी